बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में बड़ा मामला, पुलिस की दबिश में छत से गिरा युवक। छत से गिरने से युवक की दर्दनाक मौत। युवक की मौत के बाद युवक की बॉडी को सड़क पर ही छोड़कर भागी पुलिस, जिसका वीडियो हुआ वायरल। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर की कोतवाली देहात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब धमकी देने के मामले में वंचित चल रहे युवक की पुलिस की दबिश के बीच छत से गिरकर मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस कर्मियों पर छत से धक्का देकर मारने का लगाया आरोप। उधर पुलिसकर्मी युवक को लहूलुहान हालत में सड़क पर ही पड़ा छोड़ भाग निकले। गुस्साए लोगों ने पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे किया जाम। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। गुस्साए लोगों की भीड़ आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी रही। और देखिए मृतक युवक के परिजनों ने क्या कहा। गोली मार दी, गोली, पुलिस वाले गोली मार के जा रहे, गोली ये रहे, गोली मार के भाग रहे, इन्होंने गोली मारी है, गोली पुलिस वाले ने जा रहे, ये जा रहे गोली मारे, गोली ये रहे भाग रहे, गोली मारे, गोली वह चचा वीडियो बन गए वह मार, गोली मार के भाग रहे, गोली वह पकड़। क्या नाम है आपका? संशीला। कहाँ की रहने वाली हो? कोतवाली की। जी घटना घटी है, क्या मामला है? जी ऐसी थी बात, मैंने दरवाजा लगा था जी, मैं मच्छी छा रही थी तो देखा था ये दीवार के एक लड़के ने झांका, दरवाजा खोलो, तो जैसे मैंने दरवाजा खोला ना जी, तो देखा था पुलिस वाला आए तमाम सारे, वे ऊपर को भाग गए। तो मैंने कहा भैया क्या बात हो, क्या बात, वे रुके नहीं है, तो मुझे भी धमकी देखे और ऊपर ही भाग गए, मारपीट करने लगे, मेरा आदमी को भी मारा और मामू को भी मारा जी, मारपीट हो गई। जैसे मैंने नीचे आए, मैंने रोका तो मुझे भी हाथ मार के पीछे गिरा दिया। किसने गिराया? पुलिस वालों ने। तो इसमें कोई घायल हुआ या मृत्यु हो गई किसी की? जी मामू खत्म हो गए, मौत हो गई। मौत हो गई तो मौत कैसे हुई? हुई जी पुलिस वालों ने मारा। किस तरह से मारा है? जी उनके साथ हर्तबाती करी, पहले तो ईंट मारी फिर ऊपर से नीचे फेंका, फिर मारी ईंट, फिर ऊपर से।